हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद उदित चैनल। मेरे चैनल पे आज मैं आपको फिर से वोकैबुलरी का एक सेशन देने आया हूँ। ये पार्ट फोर होगा। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। डेली फाइव वर्ड्स इनफ है डेली, लेकिन आप लोग धीरे धीरे बढ़ाइएगा। मैं तो बस आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्योंकि एक बार जब आपको बता दिया कि शस्त्र कैसे चलाना है, तो मैदान में शस्त्र आप ही को चलाना है, किसी और को नहीं चलाना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला वर्ड हमारा है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मीनिंग क्या होता है? इक्वानिमिटी का मतलब होता है धैर्य रखना, ठीक है, टू स्टे काम स्पेशली अंडर स्ट्रेस, टू मेंटेन कंपोजर। जैसे आपने धोनी को देखा होगा, धोनी क्रिकेट के ग्राउंड में चाहे जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए, एकदम चाहे जितना स्ट्रेसफुल हो, वो एकदम कूल रहता है। तो अंडर स्ट्रेस अगर कोई बहुत शांत है, तो वो इक्वानिमिटी की कंडीशन को दिखा रहा है, ठीक है। During the uses देखो, during the horrible storm, it was hard for us to focus on and maintain our equanimity, ठीक है? Means stress के अंदर अगर आप शांत रह लेते हो, अगर आपके अंदर stress के अंदर शांत रहने की क्षमता है, तो it is the quality is called equanimity, it is a noun। हिंदी में इसको धैर्य बोल सकते हैं, धीरज बोल सकते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या? बहुत सिंपल सा है। equal, देखो यहाँ पे equal है ना, equanimity माने equal, ठीक है। तो अगर कोई चीज इक्वल है, तो वो इक्वानिमिटी के फॉर्मेट में आपको दिख रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रेजारियो। इम्प्रेजारियो का मतलब होता है व्यवस्था करने वाला, ठीक है। अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस एंड ऑफन फाइनेंसेस द कॉन्सर्ट्स, प्लेज एंड ऑपरास, ठीक है। मींस ऐसा इंसान जो आपके कॉन्सर्ट्स, प्लेज और ऑपरास को ऑर्गेनाइज करता है, उसके फाइनेंसेस को मैनेज करता है, मतलब ऐसा इंसान जो व्यवस्था करता है किसी चीज की। कोई भी इवेंट करना है तो उसकी व्यवस्था करेंगे, उसको इम्प्रेजारियो बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये पुराने जमाने का वर्ड है, अभी नया वर्ड नहीं है। इसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं, यूसेज देख लेते हैं। एज अ नाइट क्लब इम्प्रेजारियो द प्रमोटर ट्राई टू गेट एज मेनी पीपल एज टू द पार्टी इज पॉसिबल, ठीक है। नाइट क्लब का जो व्यवस्था करने वाला आदमी था, उसने ये कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी में आ सके। तो इम्प्रेजारियो का मतलब हो गया व्यवस्था करने वाला। अब इसको याद कैसे करेंगे, इम्प्रेस, इम्प्रेस, इम्प्रेजारियो से सुनाई दे रहा है इम्प्रेस। आपको इम्प्रेस कौन करता है? जो आपको पूरी व्यवस्था करके दे दे। तो अगर आपको पूरी व्यवस्था करके कोई दे देगा, तो आप इम्प्रेस हो जाओगे, है कि नहीं? ऐसे याद किया करो, रिवीजन करना, निमोनिक बनाना, वर्ड्स को बोलना बार बार, बार बार करोगे अपने आप याद होता जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एनवायरन। एनवायरन का मतलब होता है घेरना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, उनके बड़े बड़े किले होते थे, तो उन किलों के बाहर क्या होता था कि सेना घेर लेती थी उनको, है कि नहीं? तो एनवायरन का मतलब होता है घेरना, सराउंड, एनक्लोज। यूसेज देख लेते हैं, द स्टोन सर्कल वाज एनवायरन्ड बाय एन एक्सपांस ऑफ पीट सॉइल, ठीक है। मतलब जो पत्थर था, पत्थर के चारों तरफ क्या थी, मिट्टी ने उसे घेर लिया था पत्थर को, ठीक है। तो जब भी अगर मैं एनवायरन बोलूंगा, एनवायरन का मतलब घेर लेना, ठीक है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वर्ड का सेंस पता होना जरूरी है और उसका सटल डिफरेंस पता होना जरूरी है। सबसे पहले चीज तो सेंस पता होना चाहिए। जैसे चलना होता है वॉकिंग, और लड़खड़ा कर चलना होता है स्टम्बलिंग। तो दोनों का सेंस पता होना चाहिए, दोनों का सेंस है चलना। अब दोनों के वे ऑफ वॉकिंग में, चलने में डिफरेंस है, ठीक है। तो एनवायरन का सेंस क्या है, घेरना। और इसको याद करने का तरीका क्या है, एनवायरमेंट। हम अपने चारों तरफ एनवायरमेंट से घिरे हुए हैं, जितना भी चारों तरफ है वो क्या है, एनवायरमेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अशर। अशर का मतलब होता है जब कोई आपको किसी से मिलवाता है, परिचय करता है, या सहायता करना। जैसे मीनिंग इसकी क्या है, शो और गाइड समवेयर, एस्कॉर्ट, कंपनी, हेल्प, असिस्ट। जैसे इसका यूसेज देखते हैं, बाय रिफ्यूजिंग टू डिस्कस यूदनेशिया दे अशर इन समथिंग वर्स। मतलब यूदनेशिया आप लोग जानते हैं हम क्या होता है, यूदनेशिया जब किसी को इच्छा मृत्यु, जब उसे कहा जाता है कि वो चाहता है कि मैं मर जाऊं, और उसको मार दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यूदनेशिया को डिस्कस करने से मना कर रहे थे, लेकिन हमने जो डिस्कस किया वो उससे भी ज्यादा बेकार निकला। अब अशर मींस क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कोई चीज, अशर और एस्कॉर्ट में डिफरेंस है, मेरी बात समझना। अशर का मतलब होता है सहायता करना, परिचय करवाना, किसी चीज से मिलवाना। अब यहां पर एक बहुत बड़ी गलती क्या होती है ना, मैं वही बार बार बोलता हूँ, यूसेज का फंडा। लोगों को लगता है एस्कॉर्ट का मीनिंग और अशर का मीनिंग एक है, नहीं। एस्कॉर्ट पीपल को कर सकते हो, लाइक यू आर एस्कॉर्टिंग द पीपल, यू आर एस्कॉर्टिंग द प्राइम मिनिस्टर, यू आर एस्कॉर्टिंग द प्रेसिडेंट, यू आर एस्कॉर्टिंग अनिल अंबानी, बट यू कैन नॉट अशर द प्राइम मिनिस्टर। मींस आइडियाज, जैसे मान लो हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं, चार लोग हैं कुछ डिस्कस कर रहे हैं,
तो तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आया और तुमने आइडिया बताया, तो हम चारों के बीच में तुम एक नए आइडिया को अशर कर रहे हो। अशर कर रहे हो मतलब हमें उस आइडिया को मिलवा रहे हो, उस आइडिया से हमारा परिचय करवा रहे हो। तो अशर पीपल के लिए यूज नहीं होता है कभी भी, फॉर अ पर्सन। देखो मैं यूसेज जरूर बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के लिए यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अशर का मीनिंग होता है व्हेन यू डिस्कस सम आइडियाज और उसको आप बीच में लाते हो ताकि लोगों को समझा सको, ठीक है। तो शो और गाइड करना ठीक है लेकिन इंसानों के लिए यूज कम होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? अस एंड हर। अस एंड हर, अस एंड हर का मतलब क्या है? कोई कुछ लोग हैं और कोई लड़की है, तो हम लोग कह रहे हैं अस एंड हर। अब सोचो मैं बोल रहा हूँ अस एंड हर मतलब मैं मिलवा रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ अस एंड हर तो ऑब्वियसली बात है मैं किसी तीसरे पर्सन से दोनों लोगों को मिलवा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं अस एंड हर। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है प्यूटेटिव। प्यूटेटिव का मतलब होता है जो चीज मानी जाती है कि नहीं? प्यूटेटिव का मतलब होता है जो चीज मानी जाती है, जैसे जनरली कंसिडर्ड और रेप्यूटेड टू बी, सपोज्ड, एक्नॉलेज्ड, एक्सेप्टेड। तो यूसेज देख लेते क्या है। द ऑल्दो चार्ल्स हैज नॉट रिसीव द क्राउन, ही इज ऑलरेडी बीइंग ट्रीटेड एज द प्यूटेटिव किंग ऑफ हिज कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं लेकिन अगर राहुल गांधी कांग्रेस जीतती है तो हम ये मान लेंगे कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है, प्यूटेटिव का मीनिंग क्या हो गया? अगर आपको जो चीज मतलब पता है हम लोग को कि हाँ ये चीज ये ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें यूसेज में बताया गया कि चार्ल्स ने अभी चार्ल्स को क्राउन मिला नहीं है लेकिन चार्ल्स सब लोग जानते हैं कि वो इस कंट्री का किंग होगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो प्रिंस है तो वही किंग बनेगा और कोई बन ही नहीं सकता। तो प्यूटेटिव का मतलब होता है माना जाने वाला, ऐसी चीज जो सर्वव्याप्त, ऐसी चीज जो जनरली लोग मानते हैं। अब इसको याद कैसे करोगे? पोटैटो। प्यूटेटिव में साउंड किसका आ रहा है? पोटैटो का। सब्जियां जब आप खाते हो घर में तो उसमें पोटैटो पड़ा ही रहता है कि नहीं? मतलब बिना पोटैटो के बहुत कम सब्जियां ऐसी होती जो बिना पोटैटो के बनती है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे कि अगर हमारे घर में सब्जी बनी है तो उसमें पोटैटो मिला हुआ है, और पोटैटो मिला हुआ है इसका मतलब प्यूटेटिव। तो पोटैटो से आप याद कर सकते हो प्यूटेटिव, ठीक है, कि पोटैटो तो माना जाता है ना कि ऐसा होता है। चलो तो याद करने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ लेकिन ये हैबिट आपको डेवलप करनी है कि आप अपने दिमाग की क्रिएटिविटी से कुछ ऐसा बनाओ कि आपको याद रह जाए, ठीक है। तो जो वर्ड्स डिस्कस किए थे उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इक्वानिमिटी, इम्प्रेजारियो, एनवायरन, अशर, प्यूटेटिव, ठीक है। कितने वर्ड्स हुए? 1, 2, 3, 4, 5 5 वर्ड हो गए। डेली 5 वर्ड्स बताने मुझे, ठीक है। तो आप लोग सेशन में जुड़े हमारे साथ, थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और डेली इस वीडियो को जरूर देखिए और लाइक कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। डेली 5 वर्ड मैं आपको सिखा दूंगा, याद भी करा दूंगा ऑन स्पॉट, ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियोज बनाऊंगा, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और अपने फ्रेंड्स में जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर हैं उसको शेयर करिए और लोगों को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।